स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सर ग्रीन स्टार चैनल से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लस टू क्लास का 7th चैप्टर एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 में हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले तो हमें लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखें, इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू एन, अगर हमें यह दे रखा है ए की पावर एक्स इक्वल टू एन, देन वी डिफाइन लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स एन, राइट इट एज लॉग ए एन इक्वल टू एक्स। जो ए है यहाँ पे इसको बेस बोलेंगे, ए क्या है यहाँ पे बेस। तो log a n इक्वल टू किसके होएगा, x के, अगर हमें इस टाइप में दे रखा है ए एक्स इक्वल टू एन। तो इसे log की फॉर्म में इस टाइप में लिखेंगे, log a, जो यहाँ पे a की पावर दे रखी है x, तो a तो इसका क्या होएगा बेस, और जो n है इसका लॉगरिथम क्या होएगा x। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, हमें पता है 2 की पावर 3 करेंगे तो किसके बराबर आएगा 8 के। तो यहाँ पे है log 2 8 इक्वल टू 3, तो ये जो बेस में है इसकी पावर कितनी करें कि ये 8 आ जाए, तो ये 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं तब जाके ये क्या बनेगा 8 बनेगा। तो इस टाइम में हम इसको log की फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके आगे देखें, इफ़ नो बेस इज इंडिकेटेड, अगर बेस नहीं दे रखा हमें किसी log का, देन वी कंसिडर द बेस e, तब हम उसका बेस जो है वो क्या लेंगे e लेंगे। Hence, log n is regarded as log e n. तो log n को हम log e n से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद logarithmic with base e are called natural logarithmic. तो अगर हम natural log किसको बोलेंगे, जब base क्या होगा e, अगर किसी log का base e है किसी फंक्शन का, बेस अगर e दे रखा है हमें, तब उसे क्या बोलेंगे हम नेचुरल लॉग बोलेंगे, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी लॉगरिथमिक के, ठीक है। तो क्या दे रखी है प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉग बेस में a है m इंटू एन, तो m इंटू एन दोनों ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इनको हम अलग अलग से करके लिख सकते हैं इस टाइम में, लॉग m प्लस लॉग n। अगर बेस में a दे रखा है तो a लगा देंगे, b दे रखा है b लगा देंगे, अगर e है तो e आ जाएगा, अगर कुछ नहीं दे रखा मान लो यहाँ पे, उसका मतलब e होता है, वो लगाओ ना लगाओ। अगर हम सीधा भी इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया log m इंटू एन, तो हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस में log n, ओके। तो अगर नहीं लिख रखा तो इसका मतलब यहाँ पे e तो है ही है, ये नेचुरल log के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे ही है log m by n, तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे log m माइनस log n, अगर मल्टीप्लाई है प्लस आ जाएगा, और डिवीज़न में दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान देनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है log a m by n है, तब भी हम इसको लिखेंगे log बेस में a m माइनस log बेस में a n। इसी टाइप में log a m की पावर n है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी इसमें, log के अंदर क्या होता है पावर आगे आ जाती है फंक्शन में, logarithmic फंक्शन में n आगे आ गया तो log a m बन जाएगा। ऐसे log a m log b a है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेस में a है और यहाँ पे log a है, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा log b m आ जाएगा, जो m है वो तो ऐसे कैसा, देखो log m, तो ये b है जो वो आ जाएगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर देगा, तो मतलब ये इस टाइप में बन जाएगा फंक्शन, ठीक है। ऐसे log b a, log a b है, तो इसमें बेस में a है और यहाँ पे log a है, इसमें log b है और यहाँ पे बेस में b है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर होएगा। ऐसे log a बेस में भी a है तो भी एक इसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल आएगी 1 के। ऐसे log a 1 दे रखा है हमें, ठीक है, तो इस
लॉग अगर वन आ जाता है तो वो किसके बराबर होएगा, जीरो के। बेस में या कुछ भी दे रखा हो, ए बी सी या कुछ भी, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी दे रखा हो, अगर लॉग वन है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये दो तीन प्रॉपर्टी हैं ये अच्छे से करनी है, इन पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे आगे। तो जैसे मान लो हमें ये दे दिया लॉग टू इंटू फाइव है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग टू प्लस में लॉग फाइव। अगर हमें ये दे रखा है लॉग फाइव की पावर सिक्स दे दिया, तो हम इस कैसे लिखेंगे, सिक्स आगे आ जाएगा लॉग फाइव, ठीक है। तो लॉग का यूज करके भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे तो हम एक्सरसाइज में देखते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक है ये अच्छे से कर लें, ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है। तो देखो आगे कैसे करते हैं हम। हाँ जी, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें देखो हमारे पास फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फार्मूला आता है देखो y इक्वल टू लॉग ए एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो बेस में a दे रखा है और साथ में x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। अब बेस में a है तो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा लॉग e बेस a, ओके। तो नेक्स्ट है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू लॉग टू एक्स दे दिया हमें, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये याद रखना है आपको, इनटू में लॉग 2e, बेस में 2 आ जाएगा इनटू में e, तो इस टाइम में ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, e तो यहाँ पे एक बार छोड़ ही दो क्योंकि बेस में e रखो या ना रखो बराबर है, ठीक है। अगर दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा तब भी ठीक है। तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 बाई एक्स, सीधा ही है, लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। उसके बाद है y इक्वल टू ए की x, तो ए की x का डेरिवेटिव करना है, तो ए की x का डेरिवेटिव क्या होएगा, ए की एक्स इंटू में लॉग ए। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, वाई इक्वल टू थ्री की पावर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे, जो पहले किया था हमने एक्स की पावर ए था, कांस्टेंट वाला था, पावर कांस्टेंट थी। अब इसमें देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में दे रखी है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होएगा, थ्री की पावर एक्स इंटू में लॉग थ्री। और अगर हमारे पास ये होता वाई इक्वल टू एक्स की थ्री, तब डेरिवेटिव जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, थ्री आगे आ जाएगा, एक्स की पावर टू रह जाएगी, तो ये आंसर होएगा हमारा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद देखो अगर हमें दे रखा है वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, ये भी कांस्टेंट ही होता है ये भी, तो e की पावर x इंटू में लॉग e, तो सेम ही है वही, लॉग e की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होएगी, तो इसलिए ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x, ओके। तो यहाँ पे भी लॉग e बनेगा, तो लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी, तो इसलिए डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 1 बाई एक्स लॉग का भी। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो आगे देखें डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम। जैसे मान लो हमने अपने को फंक्शन दे रखा है लॉग में, मान लो हमें दे दिया वाई इक्वल टू लॉग थ्री एक्स दे दिया, तो इसका डेरिवेटिव पूछे आपसे, क्या होएगा इसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास लॉग थ्री एक्स का, वन बाय में थ्री एक्स इंटू में क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव। अब लॉग फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे लॉग 3x का डेरिवेटिव करना है, पहले लॉग का करेंगे 1 बाय 3x, उसके बाद उसके एंगल का करेंगे 3x का, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होएगा यहाँ पे, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस टाइम में डेरिवेटिव करना है पहले फंक्शन का फिर उसके एंगल का। तो आपको ये बताया था, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास y इक्वल टू, जैसे मान लो दे दिया हमें लॉग 3x की पावर 4 दे दिया, इसका डेरिवेटिव पूछे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करो ये वाली, जैसे log
m की पावर n दे दिया हमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, n log m लिख सकते हैं, जो भी एंगल की पावर होती है वो लॉग में आगे आ जाएगी। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं आगे, y इक्वल टू 4 log 3x। पहले तो देखो डेरिवेटिव नहीं किया अभी हमने, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है लॉग की, जो भी एंगल की पावर थी वो आगे आ गई। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं, 4 log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/3x हो जाएगा। उसके बाद 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4/x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो आगे देखो इसके क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखें, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, बताया था e की पावर x का क्या होता है, e की x, log e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो e की x का डेरिवेटिव होएगा यहाँ पे सेम e की x स्क्वायर। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, जो इसकी पावर है उसका। ठीक है, अगर हमारे पास देखो ये फंक्शन है e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की x इंटू में x का आगे करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ओनली डेरिवेटिव होएगा e की x। तो अब यहाँ पे e की x की पावर 2 दे रखी है, x स्क्वायर दे रखा है, अब डेरिवेटिव करेंगे पहले तो सेम, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, पावर का, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x e की पावर x के। तो ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट है भाई इसका, y इक्वल टू log बेस में e दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बेस में e हो ना हो, ठीक है बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी, तो log ex। अगर एंगल की पावर दे रखी है लॉग में तो वो आगे आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x, तो 2/x इसका आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट है जैसे इसका क्या दे रखा है इसने, तो थर्ड पार्ट है जैसे log secant x दे रखा है हमें, y इक्वल टू log secant x, तो इसका डेरिवेटिव करना है हमें, थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/ में जो भी उसका एंगल है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा log 1/secant x। उसके बाद सेकेंड का डेरिवेटिव करना है, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू में 10x, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x। ओके, तो नेक्स्ट है जैसे फोर्थ पार्ट है इसका, वाई इक्वल टू हमें दे रखा है ए की पावर साइन इनवर्स x, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy/dx क्या होएगा, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल दे रखी है तो पहले तो लिखते हैं हम सेम a की पावर साइन इनवर्स x, उसके बाद लिखते हैं हम log a, जो भी कांस्टेंट है वो log a लिख लिया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, जो उसकी पावर दे रखी है हमें उसका, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू में लॉग ए, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/ में रूट 1 माइनस एंगल का स्केयर, तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू में लॉग ए 1/ में रूट 1 माइनस एक्स का स्केयर। ओके, तो ये ऐसे हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हमारे पास
इसका फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, y इक्वल टू e की पावर साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें। तो देखो एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले तो देखो सेम ही लिखते हैं, e की पावर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, e की पावर साइन रूट एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई में करेंगे डेरिवेटिव, जो इसकी पावर है उसका साइन रूट एक्स का। ये डेरिवेटिव तो हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो क्या आ जाएगा, e की पावर साइन रूट एक्स इंटू में साइन का कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे तो वन बाय में टू रूट एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस e की साइन रूट एक्स इंटू में कॉस रूट एक्स बाय में टू रूट एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही है, देखो लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट है, वाई इक्वल टू थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी। तो इसका डेरिवेटिव करना है, बताओ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की एक्स इंटू में लॉग ए, तो यहाँ पे ए क्या है, थ्री है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में लॉग थ्री इंटू में डेरिवेटिव किसका, पावर का ए की एक्स प्लस बी का। तो ए की एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होएगा, देखो थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में लॉग थ्री और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास ए की एक्स का ए बी का जी, तो ये आंसर आ जाएगा ए इंटू में थ्री की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में लॉग थ्री। ठीक है, तो ऐसे ये सॉल्व करना है हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या दे रखा है उसमें। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल टू साइन log 3x। ओके, तो डेरिवेटिव करते हैं साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस log 3x। उसके बाद log का डेरिवेटिव करेंगे हम, तो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करना है, इस log का करेंगे, log का डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका एंगल क्या है, log 3x, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में जो भी उसका एंगल है, तो log 3x। फिर मल्टीप्लाई में करेंगे हम, जो उसका एंगल है आगे उसका log 3x का करेंगे, तो log 3x का क्या आएगा, 1 बाय में 3x, और उसके बाद हम करेंगे 3x का, तो 3x का क्या आ जाएगा, 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेटिव जो आएगा cos log 3x बाय में x log 3x। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइम में हमें डेरिवेटिव करना आना चाहिए लॉग का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सरसाइज के अंदर हमने यही करना है। तो इसका थर्ड पार्ट है, जैसे दे रखा है हमें थर्ड पार्ट में y इक्वल टू ए की पावर टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, e की पावर टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स इंटू में डेरिवेटिव किसका करेंगे, टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का आएगा 1 बाय में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, उसके बाद मल्टीप्लाई में करेंगे डेरिवेटिव किसका, इसके एंगल का, टेन इनवर्स के एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का माइनस का साइन रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाय में 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस टाइम में डेरिवेटिव करना है, देखो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम, टेन इनवर्स का 1 बाय में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर होता है, उसके बाद एंगल का करेंगे कॉस का साइन हो जाएगा और रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, माइनस का साइन रूट एक्स इंटू में e की पावर टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टू रूट एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स।
तो इस टाइम में हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे।